अस्सलाम वालेकुम, दक्कन चागर से मैं शेफ तायर कलीम। शेफ सादत किचन में आज आपको खुबानी का मीठा सिखाएंगे। ये देखें, ये खुबानी, सूखी खुबानी है हमारे पास। आज हम कुछ सिखा रहे हैं खुबानी का मीठा। उसके लिए खुबानी इस्तेमाल होती है, रात को इसको भिगा के रख दें। भिगाने का तरीका ये है कि आपने रात को धोया इसको अच्छी तरीके से, और धोने के बाद इसको भिगाया कि अब खुबानी जो है किस तरह आसानी से अलग हो जाएगी, उसको आपको तरीका बताते हैं। लेकिन खुबानी का बीज निकाला आपने, बिल्कुल आसानी से निकल गया। रात को भिगाने का मकसद ही ये है कि हम इसको जो है आसानी से खुबानी आपके अलग हो जाए। ये हम सारी खुबानी के बीज अलग करेंगे आराम से। देखें अलग होते जा रहे हैं, ये हमने अलग कर लिए सारे बीज। जो अब ये जो खुबानी है, इसका जो पानी है इसी के अंदर आपको पकाना है। अब ये खुबानी देखें कि सख्त है, आप इसको मैश कर लें अच्छी तरीके से, आपको पकाने का टाइम आसानी हो जाएगी। पानी हमारा तैयार हो गया, गर्म हो गया इसको, अब इसमें हम खुबानी डालना शुरू करेंगे। ये तैयार हो रही है। ये तकरीबन हमने रात को एक पाव खुबानी भिगाई थी, इसमें हम डालेंगे 350 ग्राम की इतनी चीनी। एक चमक जो चीनी की चाहिए हमारे खुबानी के मीठे में, चमक होती है वो आ गई है इस वक्त। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट पकाना होता है अच्छी तरीके से, हल्की आंच पे, कि ये खुबानी गल जाए, अपना रेशा इसका छूट जाए, खुबानी चेक जान हो जाए। खुबानी का मीठा अब तैयार हो गया, अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। खुबानी का मीठा हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, जब तक हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड के लिए पानी ले लेते हैं हम। जी हमने इसमें पानी ले लिया, अब कस्टर्ड इसमें घोलेंगे। मिक्स करेंगे कस्टर्ड को अच्छी तरीके से इसके अंदर। जब हम डायरेक्ट दूध गर्म करके कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो होता यह है कि डल्ले बन जाते हैं। पहले अच्छी तरह इसको घोलना है पानी के अंदर। कस्टर्ड हमने घोल लिया, अब हम दूध गर्म करेंगे। दूध गर्म हो रहा है, कस्टर्ड हम सादा फीका कस्टर्ड बनाएंगे, चीनी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमने कस्टर्ड ऐड किया इसके अंदर, दूध के अंदर गाढ़ा होने तक हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। और हिलाते रहें, हिलाना नहीं छोड़ेंगे, नीचे लग जाएगा फिर वो जले हुए पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं कस्टर्ड के साथ। जी कस्टर्ड तैयार हो गया है। कस्टर्ड लगाएंगे, कस्टर्ड इस वक्त गर्म है, इसलिए गर्म लगा रहे हैं कि ये ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा, डल्ले बन जाएंगे और लगेगा नहीं, और फिनिशिंग नहीं आएगी इस खुबानी की। कस्टर्ड लग गया, अब इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे बादाम की। खुबानी का मीठा तैयार है, खाएं, बनाएं, लाइक करें और शेयर करें।